हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुशवाहा रेफ्रिजरेशन। मैं आज आपको बताऊंगा पुराने टैंक के बारे में। उसको रिपेयर करना है और पहले 48 का डब्बा था, अभी 52 का डब्बा डालना है। तो इसमें क्या क्या चेंजेज करना पड़ेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। और ढक्कन भी पुराना हो गया है, ढक्कन भी रिपेयर करना है। और अभी 48 का डब्बा है तो अपने को 52 का डालना है। तो साइड से प्लेट भी थोड़ा सा उठाना पड़ेगा और ऊपर चैनल का फ्रेमिंग है, लकड़ी का ढक्कन है तो फ्रेम भी उठाना पड़ेगा। तो अभी सब लकड़ी पुराना है तो उसमें थोड़ा लकड़ी भी रिपेयर करना है। ये सब चैनल है, ये चैनल पुराना वाला जो चैनल था पहला, नीचे 4x2 का चैनल है, ऊपर वाला नया जो लगा है वो 4x2 का है। तो एक्चुअली अपने को हाइट बढ़ाना था 4 इंच, तो अपने 4 इंच हाइट बढ़ा दिया। तो अपना ये पहले वाला 48 का डब्बा है, अभी अपने को 52 का डालना है। तो ये सब करने के बाद ढक्कन बराबर बैठना चाहिए, ये वो हिसाब अपने पकड़ा है। तो अभी देखिए, अभी पानी भी है, ऊपर ऊपर ही काम हो रहा है, टैंक अभी खोला नहीं है तो ऊपर ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो ये पुराना वाला डब्बा अभी पड़ा हुआ है, अभी नया डब्बा ऑर्डर किए हैं तो वो आएगा। तो ये पूरा चैनल अपन ने लगा दिया है, पूरा A to Z चैनल जो भी है लगा दिया हुआ है। और ये साइड में प्लेट भी लगा दिया है, प्लेट 6 इंच का, 6 इंच हाइट करके प्लेट भी लग गया है। तो ये टैंक लगभग अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है, अभी काम बहुत है। तो अभी खाली ऊपर के चैनल ही टैकिंग किए हैं और साइड का भी प्लेट वेल्डिंग चालू है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और चैनल लगाने के बाद दोनों तरफ से सी क्लैंप से टाइट करके और दोनों तरफ से टाका लगा देंगे। तो एक्चुअली अपने को टाकी खोलना नहीं पड़ा, नहीं तो 52 का करने के लिए फिर टाकी खोलना पड़ता था। तो ये सब लगा हुआ है। तो क्वाइल का भी हाइट वही रहेगा, क्वाइल का हाइट को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एजुकेटर में थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा, देखेंगे एजुकेटर का क्या सीन है। उसके बाद ढक्कन तो अभी धीरे धीरे बन रहा है, ढक्कन भी अभी धीरे धीरे बन रहा है। पहले क्या था, पहले इसमें लकड़ी का फ्रेमिंग बीम था तो निकाल के चैनल का लगाया, तो ढक्कन थोड़ा उल्टा सीधा हो गया। तो ढक्कन भी रिपेयर करना है, ढक्कन रिपेयर करके और फिर अपन ऊपर से डाल देंगे। ये एक डब्बे का फ्रेमिंग है, एक डब्बा सीधा जाएगा, एक डब्बे सीधा सिंगल डब्बा है और सिंगल डब्बा जाएगा। तो ये अपना हो गया 48 का था, तो अभी 52 का डालना है। तो हाइट भी बढ़ गया है, हाइट भी बढ़ गया है। और देखते हैं फिर आगे 52 का डालेंगे डब्बा, 52 का डाल के। और इसमें चेंजेस क्या करना पड़ेगा, जैसे कि वो माल पल्टी करने वाला जो डब्बा पल्टी रहता है उसमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ये 48 का था तो 52 का करना पड़ेगा। ये देखिए चैनल विनल सब लग गया है और ढक्कन भी आने जाने के लिए सिंगल लगाए हैं। अभी तो काम है, अभी थोड़ा वेल्डिंग बाकी है तो ढक्कन अभी थोड़ा ही लगाए हैं, थोड़ा ही ढक्कन लगाए। अभी साइड से वेल्डिंग चालू है, ये देखिए ढक्कन का काम चालू है। तो पुराना वाला भी रिपेयर हुआ है और नया थोड़ा सा कम पड़ रहा तो उसके लिए भी ढक्कन बना रहे हैं। ये रांदा मार के उसको लेवल करके और ढक्कन बनाएंगे, ढक्कन बना के और फिर उसके ऊपर डाल देंगे। साइज डब्बे का है अपना 11.5x23 का डब्बा है और अभी 52 इंच हाइट हो रहा है, तो उसके हिसाब से ढक्कन बना है। चैनल का फ्रेमिंग अपना 2x4 का है,
चैनल जो रखे हैं तो क्या एक एक इंच भी ढक्कन पकड़ेगा तो मजबूती से पकड़ा रहेगा और इधर उधर हिलेगा नहीं। इसके लिए 4-2 का सही रहता है, ज़्यादा भी नहीं लगा सकते, ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा जगह पकड़ेगा। ये देखिए ढक्कन तैयार हो गया है, हाँ ये ढक्कन तैयार हो गया है। अभी इसमें लाफा मार रहे हैं, लाफा मार के और थोड़ा सेटिंग करेंगे। ये देखिए ये सब ढक्कन लग गया है, ढक्कन पूरा बिछा दिए। ये कितना सुंदर लग रहा है, लकड़े वाले ने काम बहुत अच्छा किया। साइड से थोड़ा काम बाकी था, इसके लिए ढक्कन निकाल दिए बाहर, फिर वापस डाल देंगे।